चकदरपुर में कमलदेव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी है। इसको लेकर एक बार फिर चकदरपुर बाजार बंद रहा। वहीं दूसरी ओर परिजनों और समर्थकों ने चकदरपुर थाने का घेराव किया। परिजनों ने हत्याकांड की सीबीआई जांच के अलावा गिरफ्तार आरोपियों के नाकों टेस्ट कराने की मांग की है। हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर चकदरपुर बंद रहा। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग और गिरफ्तार आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर चकदरपुर बाजार बंद रहा। बंद का व्यापक असर देखा गया। दुकानें बंद रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दूसरी ओर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद समर्थकों ने मार्च निकाला, साथ ही घंटों थाने का घेराव किया। हमारा मांग यही है कि जो जो अपराधी पकड़े उनका नार्को टेस्ट हो, और दूसरी बात जब नार्को टेस्ट हो तो उसमें परिवार शामिल रहे और एक वीडियो बने, क्योंकि हमें यहाँ की सरकार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। नार्को टेस्ट भी चेंज हो सकता है, और वो कितना एमजी का केमिकल दे रहे हैं हमें वो भी दिखा के दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ की सरकार पर एक जरा सा भी विश्वास नहीं है। सीबीआई जांच और गिरफ्तार आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ हल्की कहासुनी भी हुई, जिसके बाद लोग थाने के सामने धरने पर बैठ गए। लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दो टाइम प्रक्रिया करेंगे, इसका नार्को टेस्ट भी होगा और सीबीआई जांच भी, दोनों हो। तो इसके लिए प्रयास पूरा किए हैं प्रशासन। अगर प्रशासन पूरा नहीं करती या लोगों को मांग को नहीं रखती, तो अभी तक 11-10 आदमी जो पकड़ा है, 9 आदमी तो नहीं पकड़ा था। एक हफ्ता का समय प्रशासन हमसे मांगी है, हमारा परिवार ने उन्हें एक हफ्ता का समय दिया है। एक हफ्ता के अंदर उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट हो जाएगा। अगर एक हफ्ता के बाद नहीं होता है तो उसके बाद ये आंदोलन फिर से होगा, और इसकी अनुमति खुद प्रशासन ने हमें दी। केवल नार्को से किसी को सजा नहीं दिलाई जा सकती, बिल्कुल। उसके अलावा जितने भी एविडेंस है, सारे एविडेंस हम लोग कलेक्ट करेंगे। वो आप कलेक्ट कीजिए, पर एक बार आप अपने मुंह से ये चीज बोल दीजिए कि नार्को टेस्ट आप लोग करवा रहे हैं। सारी प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। 12 नवंबर को देर शाम चकदरपुर के भारत भवन चौक के पास कमलदेव गिरी की हत्या कर दी गई थी। बम मारकर कमलदेव गिरी का मर्डर किया गया था। कमलदेव गिरी हिंदूवादी नेता के साथ गिरिराज सेना से जुड़े थे। कमलदेव हत्याकांड में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन परिजन और समर्थक पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर परिजन और समर्थक अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। ऐसे में लोगों ने एक बार फिर चकदरपुर बाजार को बंद रखा, साथ ही थाने का घेराव किया। न्यूज रन भारत के लिए चकदरपुर से रुपेश की रिपोर्ट। तो कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में अब जो समर्थक हैं और परिजन हैं, वो सीबीआई जांच की मांग और गिरफ्तार आरोपियों के नाको टेस्ट कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। बाजारों को बंद करा दिया गया, थाने का घेराव किया गया, पुलिसिया जांच से संतुष्ट नहीं है परिजन। सीधे रुक करेंगे रुपेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिस तरह से कमलदेव गिरी की हत्या हुई थी उसके से लगातार परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वो मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अब जो समर्थक है, परिजन है, उन्होंने बाजार फिर एक बार बंद करा दिया, थाने का घेराव किया है, नाको टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जी सारिक, यहां जो चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के अध्यक्ष कमलदेव गिरी की हत्याकांड के मामले में, ये हत्याकांड अभी करीब 1 महीना बीत चुका है और हत्या की घटना के दूसरे दिन से ही परिजन और समर्थक इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और पिछले करीब दस दिनों से परिजन और समर्थक उनके आवास के सामने जो सौंडिक धर्मशाला है वहां पर इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे। और कल शाम को कमलदेव गिरी के परिजन और हजारों की संख्या में समर्थक इस मांग को लेकर कल शाम को लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था और बाजार को बंद करने का आह्वान किया था, जिसको लेकर आज चक्रधरपुर बाजार बंद रहा। हालांकि इस दौरान यात्री वाहन चले और उसके बाद दोपहर को आज सौंडिक धर्मशाला और उनके घर आवास से उसी तरह सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पैदल मार्च करते हुए मुख्य जो चौक है पवन चौक, वहां से होते हुए थाना पहुंचे और थाना के मुख्य द्वार पर ही वे बैठे गए, थाना का घेराव किया इस मांग को लेकर। और लगातार ये मांग उन्होंने किया कि पुलिस के प्रशासन के वरीय अधिकारी आकर, डीसी और एसपी आकर वहां पर बात करें, और जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 9 आरोपी जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और हमलावर भी शामिल है, उनका नार्को टेस्ट किया जाए। और
इसके साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग लगातार वो वहां पर बैठकर करने लगे। तो इस दौरान कई दौर की प्रशासन के साथ उनकी वार्ता भी हुई लेकिन विफल रही। शाम के समय करीब 6 बजे जो मनोहरपुर के पूर्व विधायक हैं भाजपा नेता गुरुशरण नायक और चक्रधरपुर के एक आजसू नेता रामलाल मुंडा, उनके पहल पर फिर से जब वार्ता हुई तो उस दौरान चाईबासा मुख्यालय डीएसपी एसडीपीओ जो है सुधीर कुमार, उनके द्वारा फिर आश्वासन दिया गया कि ठीक है इस मामले में नार्कोडेक्स नार्को जांच जो होगा उसके बारे में उचित कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा और एक सप्ताह का इसको लेकर इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा एक सप्ताह का परिजनों और समर्थकों को समय दिया गया है। तो जिसके बाद वे वहां चक्रधरपुर जो मुख्य थाना का मुख्य द्वार है वहां पर हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हुए थे वहां से फिर वापस घर लौटे। अब आगे ये देखना है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उस पर आगे क्या पहल किया जाता है और जो आरोपी है उनका नार्को टेस्ट किया जाता है या नहीं, ये तो अब आगे देखने वाली बात है। जी सर रुपेश, पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो साजिश करता है उसके सहित तमाम अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में भेज दिया, क्या जस्टिफिकेशन है? मतलब क्यों पुलिसिया जांच से संतुष्ट नहीं? अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो एक बार लगता कि आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए अब तक, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी विरोध, अब विरोध करना लोकतंत्र में अपनी बात को रखना, अपनी मांगों को रखना लोकतांत्रिक अधिकार है सबका, सब अपनी बातों को रख सकते, लेकिन कोई तो वजह रही होगी कि पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं जता रहे परिजन चाहे समर्थक। क्या उनको लग रहा है कि पुलिस उनके खिलाफ इतना साक्ष्य नहीं जुटा पाएगी या नहीं जुटा रही है जिससे उन्हें सजा हो जाए? हत्याकांड के बाद से ही इसमें हालांकि सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, उनके जो परिजन है लगातार कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा ठीक है गिरफ्तार किया गया है, जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पुलिस द्वारा भी ये बात बताया गया है कि आरोपियों के खिलाफ में जो भी साक्ष्य है वो जुटाए गए हैं या और भी जो साक्ष्य है जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें सजा दिलाया जाएगा, लेकिन परिजनों का साफ कहना है कि ये जो हत्याकांड है ये कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है और इस हत्याकांड के पीछे और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए सीबीआई जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच से ही पूरा ये हत्याकांड का गुत्थी सुलझेगा। इसीलिए परिजन पुलिस के अब तक की कार्रवाई से 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और वो लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच ही किया जाए और इसके साथ साथ जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए। इसके अलावा परिजनों का और भी एक मांग है कि जो भी आरोपी गिरफ्तार किए हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए, यानी कि उनका चेहरा दिखाया जाए कि वो कौन है, नाम उनके सामने आ चुके हैं, हालांकि पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति या पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब भी खुलासा किया गया था जब गिरफ्तारी हुई आरोपियों की, लेकिन परिजनों का यह भी मांग है और समर्थकों का कि उनका चेहरा भी सामने लाया जाए। तो जी सारिक, इसमें पहले से ही उसे पुलिस मिटाए। बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। जी सर, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।